गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक की पुनरावृत्ति करेंगे। PT1 में जो हमारे पाठ है उस पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, PT1 में हमारे रिमझिम में से दो लेसन है, पाठ एक राखी रस्सी और पाठ दो फसलों का त्यौहार। और व्याकरण में हमारे दो लेसन हैं, पाठ एक भाषा और पाठ दो वर्ण विचार। इसकी पुनरावृत्ति आप पहले ही कर चुके हैं और इस पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हो चुका है और इसकी पुनरावृत्ति भी हम कर चुके हैं। आज हम वापस से पाठ एक और पाठ दो की राग की रस्सी और फसलों का त्यौहार की पुनरावृत्ति करेंगे। राग की रस्सी। राग की रस्सी, आज इस पाठ का मैं आपको सारांश बताने वाली हूँ। तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गांपो के मंत्री का नाम लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वह इतना भोला था कि लोनपोगार काफ़ी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हुई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ के खरीद कर उसे वापस घर बेच दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर भेज दिया उन्हीं भेड़ों के साथ। उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतार कर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जो अवश्य लाएगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सिंग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीद उसे घर वापस भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह दी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी। शर्त थी कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दी। तो बच्चों, ये था राख की रस्सी पाठ का सारांश। पाठ दो है फसलों के त्यौहार। पाठ एक हमने अभी देखा, अब पाठ दो है फसलों के
त्यौहार। फसलों के त्यौहार का सारांश मैं आपको बताती हूँ। इस पाठ के अंदर फसलों के त्यौहार की बात बताई गई है। फसलों के त्यौहार लेख के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ऐसे त्यौहार जो फसलों से संबंधित हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फसलों से संबंधित त्यौहार का अपना ही महत्व होता है, सबके मनाने का तरीका भी भिन्न होता है। देश की अलग अलग संस्कृति व वेशभाषा से जुड़े लोगों की गीतों के स्वर भी इस त्यौहार को मनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। फसलों के त्यौहार लेख के अनुसार जाड़ा का मौसम है, दूसरे दिन सूरज नहीं उगा है, लोग सूरज के इंतज़ार में हैं, रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन खिचड़ी का त्यौहार आ गया यानी मकर संक्रांति। लेकिन फिर भी जाड़े के बावजूद सभी नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा, चाचा और पापा ने सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहन लिया है। मचिया पर खादी की साड़ी पहने हुए दादी बैठी है, उनके बाल धुलने के बाद सफ़ेद समेल की रुई जैसे हो गए हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा चावल आदि रखे हुए हैं। दादी ने सबसे इन चीज़ों को बारी बारी से छूने और प्रणाम करने के लिए कहा है। बाद में इन्हें दान दे दिया गया। खिचड़ी के दिन चूड़ा, दही और खिचड़ी खाने का रिवाज है, किंतु अप्पी दीदिया को दोनों में से कोई चीज़ पसंद नहीं है। फिर भी उन्हें दोनों चीज़ें खानी होगी क्योंकि आज खिचड़ी का त्यौहार है। इस दिन तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट भी खाए जाते हैं जो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। लेखक के अनुसार जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। सभी प्रांतों का त्यौहार मनाने का अपना अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में फसलों के त्यौहार को मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरुहल, गुजरात में पतंग का पर्व के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर इन्हें जनवरी मध्य से अप्रैल मध्य तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। लेखक के मुताबिक झारखंड में सरुहल काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में और ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। इस दिन साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी समय से मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है और वसंत की शुरुआत मानी जाती है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। धान की पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। लेख के अनुसार तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकने के लिए धूप में रखते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगला
कोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देने लगते हैं। लेखक के अनुसार गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढकसा जाता है। लेखक के अनुसार कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को घुटकर पकवान बनाया जाता है। इस दिन बहुत ठंड के कारण पक्षी भी पहाड़ों से चले जाते हैं। बच्चे पक्षियों को पकवान खिलाते हुए निम्नलिखित गीत गाते हैं। कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मकदई जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकदई दे जा सोने की छुरी। इसी के साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। तो बच्चों, ये था फसलों का त्यौहार का पाठ का सारांश। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर पाठ एक राग की रस्सी और पाठ दो फसलों के त्यौहार का सारांश जाना। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।